यस, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. गुड इवनिंग मंजिल, गुड इवनिंग अंजू एंड एवरीवन जिनका नाम नहीं ले पाया हूँ मैं. ओके, कल अपन ने अल्फा पढ़ा था. अल्फा में क्या पढ़ा था? अल्फा मेल फीमेल. प्रोटीन स्ट्रक्चर देखा था अपन ने. यस, प्रोटीन स्ट्रक्चर कल अपन ने डिस्कस किया था, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी. उसमें काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे गाइस. कल की क्लास मिस मत करना, कल की क्लास के नोट्स बना लेना क्योंकि उसमें से डेफिनेटली एक क्वेश्चन पक्का आएगा, ठीक है. और आज भी प्रोटीन कन्फर्मेशन जो है उसके एक दो टॉपिक बचे हुए हैं, उनमें भी पोटेंशियल क्वेश्चंस आते हैं. तो ध्यान रहे, हर चीज़ को आप अच्छे से पढ़ो और दिमाग में बिठा लो, खासकर आज की और कल की क्लास. अल्फा हेलिक्स प्रोटीन स्ट्रक्चर एंड पेप्टाइड ब्रेक स्पेसिफिक पॉइंट वाले एंजाइम एग्जांपल्स. ओके, हाँ, अपन ने यही सब चीज़ें देखी थी. ओके, तो कल जो लास्ट टॉपिक था वो अपना था कि अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और पाई हेलिक्सेस अपन ने पढ़े थे. ओके, उन हेलिक्सेस को टर्न भी कहते हैं, तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है कहीं अगर लिखा हुआ हो तो. तो कौन मेरे को बताएगा कि अल्फा हेलिक्स में क्या अरेंजमेंट होता है? क्या अरेंजमेंट होता है अल्फा हेलिक्स में? आई टू आई प्लस फोर. यस, ओके ओके गाइस. तो मैं पूछ रहा था कि अल्फा हेलिक्स में अरेंजमेंट आई प्लस फोर होता है. ओके, और गामा में कौन सा होता है? गामा हेलिक्स में कौन सा अरेंजमेंट होता है? हाँ विक्रम जी, इट्स टाबर ही है सब. आई प्लस टू. ओके, और बीटा में? आई प्लस फोर, थ्री, थ्री टू एंड देन वन है. वो वन किसका है? डेल्टा का. और पाई में क्या है? प्लस फाइव है, ठीक है. ये चीज़ आप याद रखना, ये सीक्वेंस याद रखना. ये कोई बताता नहीं है कि इसको कैसे याद करें, और कई लोग पढ़ाते ही नहीं इस टॉपिक को. ओके, अपन इसमें एक और टॉपिक पढ़ेंगे, वो है ओमेगा लूप्स, ठीक है. तो ये काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं जो आप ढंग की जगह भी जाओगे तो भी आपको नहीं बताते हैं कई लोग, बट जबकि इनके क्वेश्चन आते हैं क्योंकि सीएसआईआर खुद अपना लेवल जो है हर साल इंक्रीज करता जा रहा है. तो आप एक्सपेक्ट करो कि कम से कम ऐसे 15-20 क्वेश्चन होंगे जो आपने कभी पढ़े ही नहीं हो. ओके ओके, सिर्फ बीटा का पता था तो अब ये पता लग गया, इसके क्वेश्चन आए हुए हैं इसलिए मैंने आपको बताया. और ये इंपॉर्टेंट है और ये सिंपल भी है इस तरीके से जैसे याद करोगे. तो कल अपन ने अल्फा हेलिक्स जो है इसका मैंने एक नंबर्स के अंदर न्यूमेरिकल फार्मूला बताया था. वो न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है इसका? अल्फा हेलिक्स का 3.6 गाइस. ओके, फोर हाँ लिख सकते हैं, 3.6 बोलते हैं. क्यों? क्योंकि 3.6 क्या है, याद है किसी को 3.6 क्या है? कल अपन ने देखा भी था, 3.6 अमीनो एसिड्स हैं. कहाँ पे हैं वो अमीनो एसिड्स? 3.6 कहाँ पे हैं वो 3.6 अमीनो एसिड्स? पर टर्न, दैट इज राइट. अल्फा हेलिक्स के अंदर एक टर्न के अंदर, मतलब जब वो 360 डिग्री रोटेट कर जाता है तब उसके अंदर 3.6 अमीनो एसिड्स होते हैं. और उसकी लेंथ कितनी हुआ करती थी? उस टर्न की लेंथ कितनी होती है? 5.4 आर्मस्ट्रॉन्ग. यस, ओके. तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है. कैसे? कि जैसे आज तक कोई क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, ठीक है, बट क्योंकि क्वेश्चन हमेशा नए आते हैं तो एक पोटेंशियल क्वेश्चन होता है. मोस्टली क्या होती है, अल्फा जो हेलिक्स होती हैं वो आपकी बाई लेयर के अंदर होती हैं. आपने देखा होगा ऐसे बाई लेयर में. यस, तो एक बाई लेयर की साइज कितनी होती है, लेंथ कितनी होती है बाई लेयर की? एक बाई लेयर की लेंथ कितनी होती है? 2 नैनोमीटर, या आप कह सकते हो 20 आर्मस्ट्रॉन्ग. यस, तो अल्फा हेलिक्स जो है वो 20 आर्मस्ट्रॉन्ग की होगी. दैट मीन्स उसमें कितने टर्न होंगे? टर्न इज इक्वल्स टू 20 डिवाइडेड बाय 5.4, अप्रॉक्सीमेटली 4 टर्न होंगे. यस, लमसम 4 टर्न्स होंगे उसमें, क्योंकि 5, 4 या 20 होता है, बट 3.98 कुछ ऐसे आएगा, बट 4 मान के चलते हैं. अप्रॉक्सीमेटली उसमें 4 टर्न्स होंगे. अब 4 टर्न्स का मतलब क्या हो गया? इनटू कितने अमीनो एसिड्स?
एक टर्न में कितने होते हैं? 3.6 होते हैं। तो आंसर क्या आएगा? 12 पॉइंट कुछ आएगा, ठीक है, 12 से 13 अमीनो एसिड्स होंगे। तो आप क्या कह रहे हो कि एक बाई लेयर के अंदर 12 से 13 अमीनो एसिड्स आते हैं। अब मेरे को बताओ, बाई लेयर के अंदर अगर अमीनो एसिड्स को आना है तो उनमें एक स्पेशल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, वो कौन सी है? कौन सी प्रॉपर्टी अमीनो एसिड्स की जो स्पेशल है और जो उसी के अंदर मिलेगी? हाइड्रोफोबिक, दैट इज़ राइट अमजद। तो हाइड्रोफोबिक होना इंपॉर्टेंट है उनको, और हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड कौन कौन से हैं? कौन कौन से हैं? एक साथ नाम बोल दो सारे। गाउली, एमपी, एमपी भी याद रखना, एमपी, मिथियोनिन एंड प्रोलिन ऑल्सो। ओके चलो ठीक है। तो अगर आपको कहीं ऐसे देख, आप किसी अमीनो एसिड को पढ़ रहे हो, किसी पेप्टाइड चेन को पढ़ रहे हो, और उसके अंदर कहीं आपको एक स्ट्रेच मिले 12 से 13 अमीनो एसिड का जिसमें ओनली हाइड्रोफोबिक हो, तो क्या आप कह सकते हो कि वो जाके बाई लेयर के अंदर मिल सकता है? कह सकते हो, डेफिनेटली कह सकते हो। तो ये एक इसका एप्लीकेशन हो गया। आपको अगर क्वेश्चन पूछे सीएसआईआर में, ऐसे एक स्ट्रेच दे दे हाइड्रोफोबिक हो, तो आप उसको इम्प्लीमेंट करके साइज निकाल के और मैथमेटिकल क्वेश्चंस भी कर सकते हो और एनालिटिकल क्वेश्चंस भी कर सकते हो। ओके तो ये चीज़ ध्यान रखना, ऐसे घुमा फिरा के चीज़ें बनती हैं। तो कई सारी चीज़ें मैं नहीं बताता हूँ, बट आप में दिमाग है, आप उस चीज़ को कर सकते हो, ऐसा नहीं आता नहीं है, कर सकते हो। तो ये एक जस्ट एक एग्जाम्पल था उसका। ओके गाइज, समझ में आए सभी को? किसी को नहीं आया हो तो बता देना। ओके अब अपन ने क्या हुआ, कल ये डायग्राम देखा था, सभी को याद होगा ये डायग्राम। तो कल अपन ने ये देखा था कि इसके अंदर एक डाइपोल मोमेंट होता है। यस गाइस, सभी को याद है? और अपन ने ये बोला है कि एक टर्न में अप्रॉक्सीमेटली 4 अमीनो एसिड्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप अगर देखोगे तो पेप्टाइड बॉन्ड के बाद में सी अल्फा आएगा, एक सी अल्फा, देन ये दूसरा सी अल्फा, ये तीसरा सी अल्फा, और ये एक और है। तो अप्रॉक्सीमेटली 3 है, और 3.6 क्यों बोलते हैं उसको गाइस? अगर एक टर्न में 3.6 अमीनो एसिड हैं तो 3.6 वैल्यू आई कैसे? 3.6 का मतलब क्या है? कभी अमीनो एसिड सुना है आपने कि आधा होता है या फिर पॉइंट्स में वैल्यू आ रही है? 3 + 1/2 होता है। ओके तो अगर या तो 4 अमीनो एसिड हो सकते हैं या 3 हो सकते हैं। 3.6 वाला लॉजिक कोई मेरे को बता सकता है क्या होता है? यस एनीवन, थोड़ा दिमाग लगाओ। एटम नंबर, नो, सबसे पहली बात तो जो 3.6 क्या चीज है, जो नाम है वो उसी से आपको क्लियर हो जाएगा। मिडल में आता होगा, दोनों साइड रहे, दोनों साइड रहे। साइड कहाँ पे अंजू? यहाँ पे तो टर्न है, तो साइड का मतलब क्या हुआ? अच्छा, 3 कंप्लीट होंगे और 0.6 कहाँ से आया फिर योगिता? अरे 3.6 का मतलब हो गया कि 3.6 तो एक टर्न के अंदर है, बाकी रिमेनिंग जो उसका 0.4 पोर्शन है, फोर्थ अमीनो एसिड का, वो है आपके दूसरे टर्न के अंदर। टर्न में, दूसरे टर्न के अंदर आ गया ना, टर्न की बात चल रही। 3.6 क्या होता है? नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स इन अ सिंगल टर्न। तो टर्न चेंज हो गया तो वो उसके अंदर काउंट होगा, इसलिए उसको 3.6 का है। ओके तो एक टर्न आपने देख लिया, अल्फा आपने यूं बोल दिया कि जो अल्फा कार्बन है वो रोटेट कर सकता है, उसी के पास में साईफाई बॉन्ड्स होते हैं, और जो आपका पेप्टाइड बॉन्ड है वो प्लेनर होता है, उसमें डबल बॉन्ड होने की वजह से वो रोटेट नहीं कर सकता, वो रिजिड होता है। तो एक टर्म आती है प्रोपेंसिटी, क्या होता है प्रोपेंसिटी? प्रोपेंसिटी क्या होता है? टेंडेंसी, काइंड ऑफ, मोर एग्जैक्ट वर्ड, मोर एग्जैक्ट टर्म इज पॉसिबिलिटी, प्रेफरेंस। प्रेफरेंस क्या है अमीनो एसिड का? पॉसिबिलिटी कितनी है कि वो इस जगह आएगा, दैट इज योर प्रोपेंसिटी। तो क्वेश्चन में क्या है, आपको ये नहीं बोलेंगे कि क्या पॉसिबिलिटी है, वहाँ बोल देंगे प्रोपेंसिटी ऑफ एन अमीनो एसिड। तो प्रोपेंसिटी मतलब उसकी कितनी पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी कितनी है उस जगह पे आने के लिए। तो यहाँ पे इस डायग्राम के अंदर 2 एटम्स आपको कंसिडर करने हैं। कौन कौन से करने हैं?
एक तो आपको कंसीडर करना है कार्बन 6 और एक आपको करना है कार्बन 3, ठीक है। दो अमीनो एसिड्स हैं, इन दोनों में अभी तो सिर्फ नॉर्मल कार्बन अल्फा लिखा हुआ है। अगर मैं आपको यहाँ पे अमीनो एसिड का नाम दूँ तो आपको ये बताना है कि अगर वो अमीनो एसिड वहाँ पे है, अगर उसकी प्रोपेंसिटी वहाँ पे है तो स्टेबल रहेगा या अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है। आपका आंसर सिर्फ स्टेबल और अनस्टेबल में आना चाहिए। मैं आपको क्वेश्चन देता जाता हूँ। तो मान लो कि इस जगह एक पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज अमीनो एसिड है कोई भी, और यहाँ पे एक नेगेटिवली चार्ज अमीनो एसिड है, तो अल्फा हेलिक्स स्टेबल रहेगा या अनस्टेबल रहेगा? सरन कह रहे हैं स्टेबल रहेगा, अंजू स्टेबल, अवधेश स्टेबल। ओके स्टेबल रहेगा। क्यों स्टेबल रहेगा? क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज जो हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और एक स्टेबिलिटी मेंटेन करेंगे, दैट इज़ राइट। अगर यहाँ पे दोनों पॉजिटिव होते तो दोनों पॉजिटिव होंगे तो वो रिपेल करेंगे और रिपल्शन की वजह से क्या होगा? अनस्टेबिलिटी आएगी। ओके रीज़न एक वर्ड में और आंसर एक वर्ड में, तो दो वर्ड आप लिख सकते हो, रिपेल अनस्टेबल लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। अट्रैक्शन ड्यू टू चार्जेस, यस अट्रैक्शन ड्यू टू चार्जेस विक्रम जी, द रिपल्शन ड्यू टू चार्जेस, सेम चार्ज लाइक लाइक भागते हैं एक दूसरे से, यस अनस्टेबल होगा, दैट इज़ राइट। तो पॉजिटिव अगर यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव होगा तो भी सेम चीज़ होगी, अनस्टेबल होगा, यस। अब मैं कह रहा हूँ यहाँ पे एक पॉजिटिवली चार्ज है, बट जो C5 है, C5 जो है ये भी एक पॉजिटिवली चार्ज है अमीनो एसिड, तो क्या होगा? C5 और C6 की बात कर रहा हूँ, दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, तो क्या होगा? अनस्टेबल रिपेल। ओके तो ठीक है, एडजेसेंट के अंदर भी वो रिपेल करेंगे, मान लिया ये बात। अब मान लो कि यहाँ पे नेगेटिव है, कार्बन 5 पे नेगेटिव है, पॉजिटिव की जगह नेगेटिव है, तो क्या होगा? अट्रैक्ट करेंगे, स्टेबल रहेगा या नहीं रहेगा? अट्रैक्ट तो करेंगे, ठीक है, स्टेबिलिटी आएगी या नहीं आएगी? अट्रैक्ट करेंगे, स्टेबल रहेंगे। ओके तो आपको नहीं लगता अट्रैक्ट करेंगे? अगर एडजेसेंट अमीनो एसिड अट्रैक्ट करेंगे तो वो एक दूसरे के अंदर घुस सकते हैं, नहीं लगता? जब दो चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं एक दूसरे को, क्लोज प्रॉक्सिमिटी है तो अनस्टेबल हो सकते हैं। नहीं, क्लोज प्रॉक्सिमिटी में ही है, 5 और 6 कार्बन अल्फा क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है, बट मैं कह रहा हूँ पास में आएंगे तो वो भिड़ नहीं जाएंगे एक दूसरे से। तो अमजद ने कहा है वैंडर वॉल रेडियस बीच में आ जाएगा, दैट इज़ राइट। तो वैंडर वॉल के आते ही वो रिपेल करेंगे, यस, और जैसे ही थोड़ा सा दूर जाएंगे वापस चार्जेस अट्रैक्ट करेंगे। तो आपको नहीं लगता बार बार चार्ज अट्रैक्ट और रिपल्शन होगा, अट्रैक्शन रिपल्शन बार बार होगा, तो उसकी वजह से अनस्टेबिलिटी आएगी, ऐसा लगता नहीं आपको? कंफ्यूज हो गए? चलो आंसर तो ये है इसका कि ये स्टेबल रहेगा, ओके, क्योंकि प्लस माइनस चार्ज है, अट्रैक्ट भी करेंगे रिपेल भी करेंगे, बट एक टाइम के बाद में वो स्टेबल हो जाएंगे, तो स्टेबिलिटी को अपन ज़्यादा प्रेफर करते हैं, इसलिए स्टेबल मानते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव अगर एडजेसेंट के अंदर है तो स्टेबल मानते हैं, ठीक है। मान लो कि यहाँ पे हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड है और यहाँ पे भी एक हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड है, अब क्या होगा? अब बताओ मेरे को, 6 और 3 के अंदर हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड्स हैं, अब क्या होगा? हाइड्रोफोबिक अट्रैक्ट करेंगे तो उसकी वजह से स्टेबल रहेगा या नहीं रहेगा सरन? ओके शुभजीत कह रहे हैं स्टेबल रहेगा और अंजू कह रही है स्टेबल रहेगा, यस सरन स्टेबल रहेगा। ओके तो हाइड्रोफोबिक अट्रैक्ट कब से करता है? वो क्या करते हैं, हाइड्रोफोबिक की कैपेसिटी होती है कि वो सारे एक साथ हो जाते हैं, एक साथ हो जाते हैं मतलब वो चिपक जाते हैं एक दूसरे के। तो हाइड्रोफोबिक अगर होंगे दोनों
तो अनस्टेबिलिटी आएगी गाइस, अनस्टेबिलिटी। क्यों? क्योंकि वो ट्राई करेंगे कि हम एक साथ रहें और अलग हो जाएं इस पूरे ग्रुप से, एग्रीगेट, वो अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे एक दूसरे को और अलग होने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हाइड्रोफोबिक है। आपको याद है ना, मैंने हाइड्रोफोबिक बॉन्ड्स पढ़ाया था, तो अपन ने ऑयल एंड वाटर की बात करी थी, तो सेम चीज़ यहाँ पे होगी। तो हाइड्रोफोबिक होने की वजह से ये दोनों अट्रैक्ट होकर बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, बाहर निकल की कोशिश करते ही क्या हो गया, अनस्टेबिलिटी आने लग जाएगी। हाँ, जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव के अंदर अनस्टेबिलिटी है, सेम हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफोबिक में भी अनस्टेबिलिटी आ जाएगी। ओके, और सेम चीज़ यहाँ, अगर ये हाइड्रोफोबिक है और ये भी हाइड्रोफोबिक है, एडजेसेंट मॉलिक्यूल्स, एडजेसेंट कार्बन अगर हाइड्रोफोबिक है, प्रोपेंसिटी सरन पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी एज इन कि मान लो यहाँ पे एक हाइड्रोफोबिक है 6 पे और 3 पे भी हाइड्रोफोबिक है, तो पॉसिबिलिटी क्या है कि वो स्टेबल रहेगा नहीं रहेगा, या फिर कौन से अमीनो एसिड की प्रोपेंसिटी है एक अल्फा हेलिक्स चेन में रहने की, अल्फा हेलिक्स चेन में रहने की पॉसिबिलिटी कौन से अमीनो एसिड की ज़्यादा है। तो अपन क्या डिस्कस कर रहे हैं, कौन कौन सा की नहीं है। ओके, अभी अपन देखेंगे कि कौन कौन सा की होती है, कौन से आपको ज़्यादा मिलेंगे यहाँ पे, तब आपको समझ में आ जाएगा। ओके, मैंने कहा एडजेसेंट हाइड्रोफोबिक होंगे तो भी अनस्टेबिलिटी आएगी, ये चीज़ समझ में आ गई सभी को। ओके, अब मान लो कि ग्लाइसिन है और प्रोलीन है, तो उनकी वजह से भी अनस्टेबिलिटी आएगी, क्योंकि ग्लाइसिन बहुत छोटा होता है। तो छोटा होने की वजह से क्या होता है, वो उसके अंदर फ्रीडम ऑफ रोटेशन ज़्यादा रहेगा, तो वो बहुत नचको नचको करके इधर उधर भाग जाएगा। जबकि प्रोलीन में क्या होगा, वो किंक ले आएगा, किंक ले आएगा मतलब कहीं भी टर्न मिल सकता है, कहीं भी डिस्टॉर्शन मिल सकता है आपके अल्फा हेलिक्स में। तो प्रोलीन एंड ग्लाइसिन जो हैं वो यहाँ पे अपन नहीं डाल सकते, अल्फा हेलिक्स के अंदर नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि वो अनस्टेबिलिटी लेके आएंगे। अभी मैं किसकी बात कर रहा हूँ, सिर्फ इन द मिडल ऑफ चेन, मिडल ऑफ अल्फा हेलिक्स, अल्फा हेलिक्स के बीच में कहीं नहीं ला सकते आप, इन जितने भी कोई भी मैं बात कर रहा हूँ, जितने भी अमीनो एसिड्स की मैं बात कर रहा हूँ, उनको आप बीच में कहीं नहीं डाल सकते, साइड में या एंड के अंदर, नॉट साइड, एंड के अंदर डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते वो अपन अभी देखेंगे। ठीक है, अब मान लो एक जो कार्बन 6 है, इसका जो आर ग्रुप है वो बल्की है, बल्की मतलब भारी। फॉर एग्जाम्पल किसका होता है बल्की, कोई बता सकता है मेरे को कौन से अमीनो एसिड्स का बल्की होता है? ट्रिप्टोफैन का हो गया, ठीक है, आइसोल्यूसीन का हो गया, यस, ब्रांच्ड है वो, क्योंकि यस, जो ऐसे जो भारी हैं जिनके अंदर नीचे आर ग्रुप में ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स हैं, वो सब बल्की होते हैं। अगर वो भी मैं यहाँ डाल दूंगा तो भी अल्फा चेन, अल्फा हेलिक्स की जो चेन है उसमें डीस्टेबिलिटी आएगी, उसके अंदर अनस्टेबिलिटी प्रीडोमिनेंट करेगी। ओके, अगर मान लो कि कार्बन, इसी में मान लो कार्बन 5 एंड 6 दोनों क्या हैं, एरोमेटिक अमीनो एसिड्स हैं, तो क्या होगा गाइस, दोनों एरोमेटिक अमीनो एसिड्स हैं तो क्या अनस्टेबिलिटी आएगी। क्यों आएगी, रीज़न, कोई कह रहा है स्टेबल आएगी, स्टेबिलिटी आएगी तो क्यों आएगी, रीज़न, विद रीज़न गाइस। क्या रक्षा मैसेज क्या कर रही है, ओके, ज्वाइन नहीं हो रहा है। ओके, सरन कह रहे हैं दे विल मर्ज टुगेदर, अवधेश कह रहे हैं बल्कि साइड चेन सो अनस्टेबल, बल्कि साइड चेन तो है बट नहीं, ट्रिप्टोफैन, अच्छा मैंने यहाँ लिख भी दिया, ट्रिप्टोफैन की बल्कि चेन नहीं होती है, ट्रिप्टोफैन के अंदर क्योंकि रिंग होती है तो रिंग बीच में स्टेबल हो सकती है, उसको बल्कि में काउंट नहीं करेंगे गाइस। ये गलत बोला था, किसने बोला था ये, ट्रिप्टोफैन, बल्कि आइसोल्यूशन होता है, और थ्रियोनिन को आप कंसिडर कर सकते हो बल्कि में, वैलिन को कर सकते हो, आई मीन थ्रियोनिन को, यस, अच्छा आपने थ्रियोनिन बोला था, यस गाइस, अगर एरोमेटिक डाल दूं मैं 5 और 6 पे तो स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा,
अगर स्टेबल होगा तो क्यों, अनस्टेबल होगा तो क्यों? अनस्टेबल एकदम सही आंसर है, बट रीज़न गलत है। सेम टाइप का है तो कंपटीशन हाई, सो एक साथ नहीं रहेंगे इसलिए ये अनस्टेबल है। अच्छा, सेम टाइप के हैं तो कंपटीशन हाई होगा, तो सेम टाइप कौन सा टाइप है वो सेम? ये समझू कौन सा टाइप सेम है, एरोमेटिक सेम है इसलिए? नहीं, एरोमेटिक एक साथ कहीं भी हो सकते हैं, ऐसा ये कोई रीज़न नहीं है। ओके, तो जो रीज़न, एक्चुअल रीज़न है, एरोमेटिक अनस्टेबल रहेंगे अगर एडजेसेंट में है, वो इसलिए क्योंकि एरोमेटिक अमीनो एसिड मोस्टली क्या होते हैं, हाइड्रोफोबिक, याद है आपको? हाइड्रोफोबिक होते हैं, सिर्फ टायरोसिन के पास ओएच होता है, सिर्फ वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना सकता है। यस, याद है? तो हाइड्रोफोबिक, जो हाइड्रोफोबिक एरोमेटिक मोस्टली हाइड्रोफोबिक होते हैं, इसलिए वो हाइड्रोफोबिक होने की वजह से हाइड्रोफोबिक वाली प्रॉपर्टी के अंदर जाएंगे। तो कहीं क्वेश्चन आ जाए, ध्यान रखना हाइड्रोफोबिक होने की वजह से वो नहीं करेंगे। सेम चीज़ ब्रांच्ड अमीनो एसिड जितने भी हैं, जैसे थ्रियोनीन है, वैलिन है, आइसोल्यूसिन है, ये भी ब्रांचिंग होने की वजह से अनस्टेबिलिटी देंगे। ओके, अब बात आती है पोलर अमीनो एसिड्स की। तो पोलर अमीनो एसिड स्टेबल होंगे या नहीं होंगे? सीरीन का एग्जाम्पल ले लो, यस, ट्रिप्टोफैन इज ऑल्सो पोलर सरन, बट एरोमेटिक जहाँ पे अपन बोलते हैं उनको मोस्टली अन अन मतलब क्या बोलते हैं, नॉन पोलर बोलते हैं। वो इसलिए क्योंकि सिर्फ टायरोसिन है जो मैक्सिमम पोलैरिटी शो करेगा। ट्रिप्टोफैन और ये अपना दूसरा अमीनो एसिड, उनके अंदर इतनी ज़्यादा नहीं होगी। मतलब ट्रिप्टोफैन और टायरोसिन को अगर आप कंपेयर करोगे तो टायरोसिन बहुत आगे है, बहुत आगे मतलब बहुत ज़्यादा पोलर है, जबकि ट्रिप्टोफैन जो है वो इतना पोलर नहीं है, उसको हाइड्रोजन वो ले सकता है बट ओनली इन रेयर केसेस। ओके, ओवरऑल आप कंसिडर करोगे तो हाइड्रोफोबिक में करोगे, मोटा मोटा ऊपर ऊपर से। यस गाइस, अगर आपके किसी भी अमीनो एसिड बीच में, अल्फा हेलिक्स के किसी भी अमीनो एसिड की आर ग्रुप के अंदर अगर पोलर अमीनो एसिड्स हैं, आई मीन बीच में पोलर अमीनो एसिड्स हैं, फॉर एग्जांपल सीरीन, तो क्या होगा, स्टेबिलिटी देगा या नहीं देगा? वो स्टेबल रहेगा। तो क्या रीज़न है स्टेबिलिटी का? क्योंकि यस गाइस, आर यू स्टिल इन क्लास? अनस्टेबल बिकॉज ऑफ बल्की नेचर। ओके, तो पोलर अमीनो एसिड बल्की आप बोल रहे हो। पहली बात तो अंजू, बल्की जो ग्रुप्स हैं और जो पोलर ग्रुप है, बल्की में मोस्टली हाइड्रोफोबिक आता है, ये याद रखो आप, बल्की में मोस्टली हाइड्रोफोबिक आता है, जैसे वैलिन आइसोल्यूसिन वाले, ठीक है? और पोलर की बात करूंगा तो स्पेसिफिक जिनके पास ओएच ग्रुप है उनके पास, ठीक है? और रीज़न ये, मतलब इसका आंसर ये है कि वो अनस्टेबल रहेगा। क्यों अनस्टेबल रहेगा? क्योंकि उसके आर ग्रुप के अंदर ओएच है, और ओएच क्या कर सकता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है। अपन ने पढ़ा था कि अल्फा हेलिक्स जो है उसमें सिर्फ बैकबोन पार्टिसिपेट करेगी, पेप्टाइड बॉन्ड पार्टिसिपेट करेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, नॉट दी आर ग्रुप्स। अगर आर ग्रुप पार्टिसिपेट करने लग गए हाइड्रोजन बॉन्डिंग में तो फिर वो पूरे स्ट्रक्चर को डिस्टेबलाइज करेंगे। यस, ये समझ, यू आर राइट, समझ में आया सभी को? ओके, तो अब ये सब बातें थी मिडल ऑफ द चेन की, पर अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे को आप ऐसे अमीनो एसिड्स के नाम बताओ जो इस एंड के ऊपर मोस्ट स्टेबल रहें, या फिर सबसे ज़्यादा प्रिफर करूँ मैं, तो कौन से अमीनो एसिड्स को यहाँ पे लगाऊँगा मैं? यस योगिता, अबाउट व्हाट? अबाउट पोलर अमीनो एसिड्स? पोलर अमीनो एसिड्स आर अनस्टेबल,
बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ओ एच ग्रुप दैट कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद एनी अदर मॉलिक्यूल सो इट डीस्टेबलाइजेज द अल्फा हेलिक्स. माई नेक्स्ट क्वेश्चन इज एट द एंड ऑफ दिस डायग्राम जहाँ पे कार्बन अल्फा वन है एंड टू है वहाँ पे कौन सा अमीनो एसिड मैं प्रेफर करूँगा ज़्यादा और विद रीज़न मेरे को बताना. अगर आर ग्रुप इंटरेक्ट करेंगे तो वो टर्च. यस 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 आशा दैट इज़ राइट. आर ग्रुप अगर इंटरेक्शन करेंगे दैट मीन्स वो कोई नॉन कोई वीक इंटरेक्शन ही करेंगे. जबकि आपने क्या पढ़ा है कि अल्फा हेलिक्स स्टेबिलिटी सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्ड से करता है और वो कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड जो कि बैकबोन में होते हैं पेप्टाइड बॉन्ड के अंदर होते हैं सिर्फ वही. आर ग्रुप पार्टिसिपेट करने लग जाएंगे तो वो पूरी स्ट्रक्चर को डिस्टेबलाइज करके अल्फा हेलिक्स नहीं रहेगा फिर वो. ओके और दूसरी बात आशा कि जो आर ग्रुप्स आप जो कह रहे हैं कि आर ग्रुप्स इंटरेक्ट करके टर्चरी बन जाएगा तो ऐसा नहीं है. ऐसा क्यों नहीं है क्योंकि आर ग्रुप्स जब पार्टिसिपेट करेंगे तो वो सेम अल्फा हेलिक्स के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे बॉन्डिंग में वो किसी और अल्फा हेलिक्स के साथ पार्टिसिपेट करेंगे. ओके इसी के अंदर वो अगर करने लग गए बॉन्डिंग तो फिर वो पक्का डिस्टेबिलिटी है वो अल्फा हेलिक्स भी नहीं बनेगा. तो अल्फा हेलिक्स नहीं बनेगा तो वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर ही नहीं बन रहा है तो वो टर्चरी कैसे बनेगा. तो इसलिए बॉन्डिंग अगर ये किसी और अल्फा हेलिक्स के साथ करे तब टर्चरी बनेगा. ओके तो मेरा क्वेश्चन जो था वो ये था कि नीचे की साइड कार्बन अल्फा वन और कार्बन अल्फा टू पे अगर अमीनो एसिड की प्रेफरेंस की बात करूँ मैं तो कौन सा अमीनो एसिड रखूँ और सरन ने आंसर दिया एलेनिन. कोई रीज़न उसका खास सरन क्या सोच के आपने बताया एलेनिन विद रीज़न चाहिए मेरे. याद करो क्लास शुरू होते ही जो मैंने सबसे पहली चीज़ बोली थी हाँ नेगेटिव चार्ज अमीनो एसिड स्टेबलाइज विल द एंड दैट इज़ राइट अंजू वेरी गुड. हाइड्रोफिलिक अमीनो एसिड लास्ट में नहीं लास्ट नहीं है इसमें कोई सबसे आते ही मैंने क्या बात करी थी कि डाइपोल मोमेंट है. डाइपोल मोमेंट है मतलब चार्ज होगा. चार्ज कौन सा है नीचे की साइड. नीचे की साइड कौन सा चार्ज है इस पूरे अल्फा हेलिक्स में. नो मिथियोनिन नहीं है नो बंसी नो शुभजीत नॉट हाइड्रोफिलिक. नीचे की साइड पॉजिटिव चार्ज है. ये कहाँ गया ये एन एच है तो ये भी तो एन एच हुआ किधर प्लस पे. यस अंजू क्योंकि अपन को डाइपोल मोमेंट क्रिएट करना है इसलिए यहाँ पे डाइपोल मोमेंट की अगर बात करूँ तो यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है नीचे की साइड. ठीक है क्योंकि सारे एन एच बॉन्ड अपन ने बात करी थी एन एच और सी ओ बॉन्ड जो है उनकी अलाइनमेंट सेम डायरेक्शन में होगी. पिछली क्लास रिवाइज नहीं करी ढंग से इसका मतलब ये हुआ उनका सबका अलाइनमेंट एक डायरेक्शन में होगा. एक डायरेक्शन में होने की वजह से उसके अंदर डाइपोल मोमेंट आएगा पूरी अल्फा हेलिक्स में. अल्फा हेलिक्स में डाइपोल मोमेंट आएगा इसका मतलब नीचे पॉजिटिव चार्ज रहेगा ऊपर नेगेटिव चार्ज रहेगा. तो नीचे पॉजिटिव चार्ज है इसका मतलब यहाँ पे स्टेबिलिटी लाने के लिए मेरे को नेगेटिव अमीनो एसिड्स इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे जिनके नेगेटिव चार्ज है. फॉर एग्जांपल ल्यूसीन एलेनिन हिस्टिडीन सही है करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग. पहले भी कह चुका हूँ कि जो मैं बोलूँ वो सही हो ऐसा ज़रूरी नहीं है तो आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स को बार बार टेस्ट किया जाएगा. मैं कुछ गलत बोल दूंगा और फिर आपसे पूछूंगा और अगर आप नोटिस कर लोगे तो अच्छी बात है. ग्लाइसिन प्रोलीन नहीं आ सकता क्या. यस बंसी उस पे आता हूँ मैं. तो सबसे पहली बात नीचे जो है वो ल्यूसीन एलेनिन एंड हिस्टिडीन नहीं आएगा क्योंकि वो पॉजिटिवली चार्ज है. पॉजिटिव पॉजिटिव विल रिपेल ईच अदर. ओके तो वो डाइपोल मोमेंट को रेगुलेट नहीं कर पाएंगे. क्लियर स्क्रीन एंड ड्रॉ. तो मैं नीचे कह रहा हूँ कि यहाँ पे क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है NH का पॉजिटिव चार्ज है इसलिए यहाँ पे नेगेटिव अमीनो एसिड जो होंगे मतलब डी एंड ई एस्पार्टेट एंड ग्लूटामेट यहाँ पे ज़्यादा प्रेफर करेंगे अपन. ठीक है ओके जहाँ पे अल्फा हेलिक्स ख़त्म होगी. अब क्वेश्चन ये है प्रिया का कि यहाँ पे ग्लाइसिन एंड प्रोलिन नहीं होंगे तो नहीं किसका क्वेश्चन था वो अच्छा बंसी का था. ओके बंसी तो मान लो ये फर्स्ट कार्बन है ठीक है इसके पास में एक हाइड्रोजन है. अगर ये यहाँ पे ग्लाइसिन है
तो क्या इसकी टेल के अंदर मूवमेंट नहीं होगा बहुत ज्यादा? सिर्फ हाइड्रोजन है तो क्या इसकी टेल में मूवमेंट नहीं होगा? मूवमेंट होगा ठीक है, बट क्या वो मूवमेंट इस पूरे स्ट्रक्चर से रिलेटेड है? क्या वो मूवमेंट इस पूरे स्ट्रक्चर को डिस्टेबलाइज कर सकता है? उस चीज़ को अपन को इम्पोर्टेंस देना है, वो नहीं कर सकता, दैट इज़ राइट। ओके, ग्लाइसिन को अपन प्रिफर कर सकते हैं क्योंकि वो न्यूट्रल होता है। बंसी, ग्लाइसिन एंड प्रोलिन, प्रोलिन को भी कर सकते हैं क्योंकि प्रोलिन छोटा होता है, और पर प्रोलिन को मोस्टली नहीं करते हैं क्योंकि प्रोलिन को आपको याद होगा CON बॉन्ड बनता है, CONH बॉन्ड नहीं बनता है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड ही नहीं है उसमें, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर पाएगा अपने फोर्थ कार्बन के साथ में, N+4 अरेंजमेंट में वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा, इसलिए प्रोलिन को अपन एक्सक्लूड करते हैं। ग्लाइसिन आ सकता है, नो डाउट इन दैट, बट फिर भी क्योंकि डायपोल मोमेंट है इसलिए अपन नेगेटिवली चार्ज को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। ओके, सभी को क्लियर है ये? जो नहीं बोल रहे हैं वो लोग, ओके तो ये चीज़ थी। अब अपन आगे चलते हैं, यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी हुई हैं जो मैंने बता रखी है आपको, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि द सेकेंडरी स्ट्रक्चर इज़ द कन्फर्मेशन ऑफ लोकल अरेंजमेंट्स। ओके, अल्फा एंड बीटा शीट्स बैकबोन होती है पॉलीपेप्टाइड की, जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाती है एंड क्रिएट करती है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है ऐसे होती है, अल्फा हेलिक्स जो है वो इस अरेंजमेंट में होता है। 5 कॉमन अमीनो एसिड जो बहुत ज़्यादा मिलते हैं किसी भी अल्फा हेलिक्स में, वो है मिथ्योनिन, एलिन, एलिनिन, आर्जिनिन, लाइसिन एंड ल्यूसिन। तो लाइसिन एंड ल्यूसिन ये कहाँ मिलेंगे? लाइसिन कहाँ मिलेगा? इस एंड पे, क्योंकि ये क्या है, पार्शियल नेगेटिव है, तो यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज मिल सकते हैं। यस, बीच में कहीं नहीं आएगा ये। एलेनिन बीच में आ सकता है, छोटा भी होता है, न्यूट्रल भी होता है, हाइड्रोफोबिक भी होता है। आर्जिनिन भी आ सकता है, आर्जिनिन अगेन चार्ज की वजह से उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। ल्यूसिन भी आ सकता है। ओके, बट क्या चीज़ नहीं आ सकती है अनफेवरेबल अमीनो एसिड्स के अंदर? ये टेबल देखो इधर वाली, ब्रांच्ड अमीनो एसिड, फॉर एग्जाम्पल थ्रियोनिन, वेलिन एंड आइसोल्यूसिन, मोस्टली ये ब्रांच्ड में काउंट होते हैं। ओके, ग्लाइसिन, द अमाउंट ऑफ वेरिएबिलिटी मेक्स इट एनर्जेटिकली एक्सपेंसिव फॉर ग्लाइसिन टू अडॉप्ट द अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर। ठीक है, तो बीच में कहीं भी नहीं आ सकता है ये एनर्जी एक्सपेंस की वजह से, बट आप इसको एंड में लगा सकते हैं। ओके, पॉसिबिलिटी है कि ये एंड में लग जाए। नीचे आते हैं पोलर अमीनो एसिड्स में, तो एस्पारजीन, सीरीन एंड एस्पार्टेट, NSD, नेवर से डाई, पोलर अमीनो एसिड्स होते हैं, और ये सब जो हैं ये नॉट फेवरेबल होते हैं, अनफेवरेबल हैं। ठीक है, ये सारा अनफेवरेबल फेवरेबल का एग्जाम है। प्रोलिन एक हेलिक्स ब्रेकर है। इमिनो ग्रुप डज नॉट हैव ए हाइड्रोजन एटम टू बी डोनेटेड। यस बंसी, रिंग स्ट्रक्चर डज नॉट अलाउ 100% रोटेशन। प्रोलिन इज अ गुड अमीनो एसिड टू बिगिन एन अल्फा हेलिक्स बिकॉज ऑफ द रिजिडिटी ऑफ द स्ट्रक्चर। बिगिन बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बिगिन। अब बिगिन कहाँ से होती है अल्फा चैन, कौन से एंड से बिगिन होती है, क्या लगता है आप लोगों को? पॉजिटिव एंड से बिगिन होगी या नेगेटिव एंड से बिगिन होगी? N2C, दैट इज राइट, N2C। तो इसका मतलब क्या हो गया कि सी साइड पे, जहां पे COOH है प्रोलीन का, उधर की साइड प्रोलीन का स्ट्रक्चर याद है, CON जो बॉन्डिंग थी वो NH की साइड में थी, क्योंकि NH जो है वो इसमें कंप्लीट नहीं है, बट कार्बोक्सिल एंड पे तो हाइड्रोजन है, तो जहाँ से स्टार्ट होती है N2C उधर आप लगा सकते हो, क्योंकि जब C की तरफ आगे जाएगा तो अगला जो N आएगा वो C से इंटरेक्ट करके हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है, बट इधर वाला N जो है ये सिर्फ CON ही बना सकता है, इसलिए ये एंड प्रिफर नहीं करके ये वाला करते हैं, इसीलिए स्टार्टिंग में इसको अप्लाई कर सकते हैं। ओके, यस बानी, डाउट क्लियर हुआ आपका? तो ये आप डायग्राम देख के जाना, चार्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना, जो भी मैंने समझाया वो समझ लेना। ओके, विद रीज़न। ओके गाइस, ओके ओके, यस बंसी, सॉरी। अब आते हैं अपन एक स्ट्रक्चर के ऊपर जिसका नाम है पॉलीप्रोलीन। आपने सुना था, आपने जब रामाचंद्रन प्लॉट पढ़ा तब आपने पूछा भी था किसी ने कि पॉलीप्रोलीन होता क्या है,
तो आज आपको मैं बता देता हूँ कि पॉलीप्रोलीन में होता क्या है। तो कोई भी प्रोलीन जो होता है उसके सिस एंड ट्रांस दो फॉर्म पॉसिबल हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देखो कि एक ट्रांस फॉर्म है और एक सिस फॉर्म है। ट्रांस फॉर्म में आप क्या चीज़ देख रहे हो कि सी ओ एन एच जो है, आई मीन ये नहीं, पेप्टाइड बॉन्ड यहाँ बन रहा है, सी ओ एन जो है वो ट्रांस फॉर्म में है, ये नीचे है ये ऊपर है, एच नहीं है यहाँ पे। और सिमिलरली अगर मैं इसको सिस में लेके आ जाऊँ तो मेरा जो सी ओ एन है, तो आप देख रहे हो जो आर ग्रुप है वो इस साइड में है, आर ग्रुप इस साइड में है, इसलिए इसको सिस एंड ट्रांस में क्लासिफाई किया गया। तो सिस में तो ये सेम साइड में आ गए और ट्रांस में ये ऑपोजिट एंड्स के ऊपर है। ओके, ये समझ में आ रहा है सभी को डायग्राम? 3D में इमेजिन करना है इसको, मतलब इमेजिन नहीं करोगे तो भी चलेगा, बट सिस एंड ट्रांस आप याद रखना, सिस एंड ट्रांस दो फॉर्म होती है। तो जब एक पॉलीप्रोलीन की चेन बनेगी तो कैसी चेन बनेगी, उसके अंदर मोस्ट ये ऐसी चेन बनेगी जो आपके हाइड्रोजन बॉन्ड, जो आपकी बैकबोन है उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होने की वजह से ये ऐसे डिस्टॉर्टेड स्ट्रक्चर बनेगा, अल्फा हेलिक्स पूरा नहीं बनेगा ये। और ये जो बॉन्ड स्टेबल किससे होगा ये, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन तो है नहीं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स तो एब्सेंट है, तो ये स्टेबल कैसे होगा गाइस, कोई आइडिया किसी को? ये स्टेबल कैसे रहेगा? ये स्टेबल रहेगा स्टैकिंग इंटरेक्शन से। सुना है नाम? स्टैकिंग इंटरेक्शंस डीएनए के अंदर आपने सुना होगा, तो स्टैकिंग इंटरेक्शंस होंगे इन इमिनो ग्रुप्स के बीच में, उनकी वजह से इसको स्टेबिलिटी मिलेगी। ओके, ये चीज़ याद रखना आप, इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड स्टेबल नहीं होंगे। यस, बेस स्टैकिंग जैसे यहाँ पे स्टैकिंग होगी इमिनो ग्रुप की वजह से। तो पॉलीप्रोलीन वन किसको बोलते हैं, जिसके अंदर सारे कौन से हैं, सिस वाले, सिस प्रोलीन, सारे सिस प्रोलीन होते हैं तो उसको पॉलीप्रोलीन वन बोलते हैं। पॉलीप्रोलीन टू बोलते हैं जिसमें सारे ट्रांस होते हैं। ओके, ये चीज़ याद रखना। अब ये रामाचंद्रन प्लॉट में आप देख लो पॉलीप्रोलीन वन टू थ्री लिखा हुआ है, और वहाँ पे एंगल्स देख लो आप, साईफाई एंगल -83 +153, दैट मीन्स कौन से क्वाड्रेंट में आएंगे, लोअर लेफ्ट इसमें या इसमें, कौन से क्वाड्रेंट में आएंगे गाइस? अपर लेफ्ट इसके अंदर, ठीक है। जो सेम चीज़ आपने बीटा पैरेलल शीट्स एंटी पैरेलल में भी देखी थी, सेम चीज़ यहाँ पे अपर लेफ्ट के अंदर मोस्टली आपको पॉलीप्रोलीन मिलेगा, ठीक है। अब बीटा टर्न भी अपन देखते हैं एक बार आगे चल के, तो बीटा टर्न भी आपको क्लियर हो जाएगा। बाकी ये तो आपको क्लियर होगा, राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स 310, लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स, पाई हेलिक्स, कोलेजन ट्रिपल हेलिक्स अपन देखेंगे। ये दोनों अपन ने पढ़ लिए हैं, अब अपन ने ये तीनों भी पढ़ लिए हैं। अब बचा क्या है, ये बीच वाला, इनमें से बीटा टर्न आज करेंगे और ये कोलेजन अपन जब टॉपिक आएगा तब करेंगे। ओके, तो आपको हर चीज़ का आइडिया होना चाहिए कौन सा कहाँ रामाचंद्रन प्लॉट में आता है, कैसे आता है। तो आप याद रखना पॉलीप्रोलीन होता क्या है, पॉलीप्रोलीन वन क्या है, टू क्या है, थ्री क्या है, अच्छा वो पॉलीग्लाइसिन है, ओके नॉट पॉलीप्रोलीन, ये ग्लाइसिन का है, प्रोलीन का नहीं है। तो पॉलीप्रोलीन वन में ऑल सिस होते हैं, पॉलीप्रोलीन टू के अंदर ऑल ट्रांस होते हैं। अब आते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक पे जिसका नाम है बीटा प्लेटेड शीट्स। तो बीटा प्लेटेड शीट्स पहले डायग्राम देख लो, ये वाला नहीं, ये वाला डायग्राम देखो पहले। तो राइट साइड में कलर्ड जो डायग्राम्स हैं, दिख रहे हैं सभी को, स्लाइड विजिबल है? ओके, तो आप राइट साइड में तीन डायग्राम जो देख रहे हो उसके अंदर सबसे लास्ट वाला जो डायग्राम है ये वाला, इसके अंदर आप देख रहे हो कि एक बीटा शीट रखी हुई है ऐसे नीचे, ठीक है। इस बीटा शीट के ऊपर दो अमीनो एसिड्स की चेन है, एक इस डायरेक्शन में N टू C और एक इस डायरेक्शन में N टू C। तो ये अरेंजमेंट हो गया एंटी पैरेलल, क्योंकि दोनों जो स्ट्रैंड हैं अमीनो एसिड का, जो स्ट्रैंड है डीएनए में जैसे स्ट्रैंड होता है, सेम एक स्ट्रैंड ये है दूसरा ये है, यहाँ पे स्ट्रैंड्स हैं और ये दोनों जॉइंड हैं बाय अ टर्न। ये क्या हो गया, एक टर्न है, इसको अपन बीटा टर्न कह सकते हैं।
तो आप मेरे को बताओ बीटा टर्न है, दैट मीन्स इसमें कितने एटम्स होंगे, कितने एटम्स होंगे, एटम्स कितने होंगे, नंबर ऑफ एटम्स। टेन होंगे, दैट इज राइट, 3 10 याद होगा आपको, तो अकॉर्डिंग टू दैट 10 होंगे। अब बात करते हैं एंटी, तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ पे होगी गाइस, एनी आइडिया? हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स कहाँ होंगी? पेप्टाइड्स के बीच में होंगी, ओके, बिटवीन टू शीट्स। नहीं अमजद, क्या ये इस डायग्राम में, ये सिंगल डायग्राम जो मैं एक्सप्लेन किया है, इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स नहीं होंगी? नहीं, आई आई प्लस 3 होगी, बट कहाँ पे, किसके बीच में, पेप्टाइड बैकबोन में होगी, दैट इज राइट, बट कहाँ पे, बिटवीन दीज टू पेप्टाइड बैकबोन्स। और इनको मैंने क्या बोला था, इनको मैंने क्या नाम दिया था, स्ट्रैंड्स, बिटवीन स्ट्रैंड्स, बिटवीन एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स, ठीक है। तो अगर हाँ, मैं समझ गया अब, तो अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बीच में होंगी तो आर ग्रुप्स किधर निकलेंगे इसमें, आर ग्रुप्स कहाँ होंगे, आर ग्रुप्स का अरेंजमेंट क्या होगा? यस दैट इज राइट, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन मतलब इस पूरी शीट के ऊपर भी होगा, ओके, और नीचे भी इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे, वो जो आर ग्रुप है वो ऐसे निकले हुए होंगे ऊपर बाहर, ठीक है। अब अपन बात करते, ये एंटी पैरेलल है, अगर पैरेलल की बात करूँ तो इसके अंदर एन एंड सी अरेंजमेंट रहेगा, इसके अंदर एन एंड सी अरेंजमेंट रहेगा, बट जो आपका टर्न है, जो कि अब टर्न नहीं रह के क्या बन गया, एक लूप जैसा बन गया, बीटा लूप जिसको अपन कह सकते हैं, तो वो एक टर्न है, वो या तो नीचे से जा सकता है या ऊपर से जा सकता है। तो आप मेरे को बताओ ये जो लूप है या जो टर्न है, इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो होंगे, आई मीन इसके अंदर जो आर ग्रुप्स होंगे वो इस तरह अलाइंड होंगे नीचे ऊपर, क्योंकि इसके अंदर भी अमीनो एसिड्स ही तो हैं। तो क्या इसका आर ग्रुप नीचे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है? क्या एक लूप का या टर्न का जो आर ग्रुप है अमीनो एसिड का, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है पेप्टाइड बॉन्ड्स के साथ में? नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, ओके, एंड प्लस गैप जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, वो वैंडरवॉल रेडियस के परे होता है, इसलिए वहाँ पे कोई अट्रैक्शन रिपल्शन नहीं होता है, ठीक है, ओके। तो ये चीज़ आपने समझ ली है, बट अपन क्या होता है, बीटा जो शीट्स होती हैं उनको शीट नहीं बोल के अपन क्या बोलते हैं, उनको पिलेटेड शीट्स बोलते हैं। तो पिलेटेड शीट्स आपने देखी होंगी, बनाए हुए आपने पेपर लेके उसको करा होगा जिगजैग बना के, कुछ ना कुछ बचपन में हरकतें करी होंगी। तो एक पिलेटेड शीट्स का मतलब क्या होता है, कि आपने उसका अरेंजमेंट जो है वो कुछ ऐसा कर दिया। अब एक चीज़ जो आपने, जो मैंने पिछली क्लास में बताई थी कि कोई भी सेकेंडरी जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, रिपीटेटिव स्ट्रक्चर होता है। तो मेरा ये क्वेश्चन था कि जब अपन ने सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स पढ़े थे तो एक चीज़ बोली थी कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो रिपीटेटिव यूनिट्स, रिपीटेटिव स्ट्रक्चर्स होते हैं, याद है? तो मेरे को ये बताओ कि ये बीटा पिलेटेड शीट के अंदर क्या चीज़ है जो रिपीट हो रही है बार बार, क्योंकि ये भी एक सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, इसके अंदर भी कोई ना कोई चीज़ रिपीटेटिव है, तो वो क्या चीज़ है जो रिपीट हो रही है बार बार? ज़िगज़ैग पैटर्न, हाइड्रोजन बॉन्ड्स रिपीट हो रहे हैं। यस शुभजीत, वेरी गुड। जो आप चीज़ नोटिस कर रहे हो यहाँ पे, ऑब्जर्वेशन स्किल्स अगेन वेरी पुअर सभी की, कि जो ये शीट है यहाँ से शुरू हो रही है, यहाँ पे ख़त्म हो रही है, देन अगेन यहाँ से शुरू हो रही है, अगेन सेम एडिटिव यहाँ आ रही है, तो ये चीज़ जो है ये रिपीट हो रही है। यस रिपीटेशन हो रहा है इन चीज़ों का, तो उसी को अपन रिपीटेटिव स्ट्रक्चर के अंदर कंसिडर करते हैं, ओके। तो एक रिपीट होता है जब स्ट्रक्चर, तो कितने अमीनो एसिड्स आते हैं वहाँ पे, हाउ मेनी अमीनो एसिड्स आर देयर इन अ रिपीटेटिव स्ट्रक्चर, रिपीटेटिव स्ट्रक्चर शुभजीत, नॉट देख के ही बता दो, गिन के बता दो इसमें कितने अमीनो एसिड हैं।
टू, दैट इज राइट। तो क्वेश्चन एग्जाम में आता है और इस बार भी आएगा कि कितने नंबर ऑफ अमीनो एसिड जो हैं वो रिपीट होते हैं बीटा शीट्स में, तो वो होगा दो अमीनो एसिड्स रिपीटेटिव होते हैं। ठीक है, क्लियर है सभी को? और एक रिपीट जब स्ट्रक्चर होता है उसकी लेंथ कितनी होती है? 7 आर्मस्ट्रॉन्ग, ये याद रखना। अब आते हैं अपन मेन बीटा प्लेटेड शीट्स पे। एक्सटेंडेड स्ट्रेच ऑफ 5 or more अमीनो एसिड आर कोल्ड बीटा स्ट्रैंड। बीटा स्ट्रैंड मैंने क्या बोला था, ये शीट है, इसमें एक स्ट्रैंड होगा, दूसरा स्ट्रैंड होगा। स्ट्रैंड क्या होता है? जिसमें 5 या उससे ज़्यादा अमीनो एसिड्स हैं। बीटा स्ट्रैंड्स ऑर्गेनाइज नेक्स्ट टू ईच अदर आइदर इन पैरेलल और इन एंटी पैरेलल फॉर्म टू फॉर्म ए बीटा शीट। ओके गाइस, अब क्लियर है? अब ठीक है, अब तेज है, सुनने योग्य है अब? ओके, तो मैं ये चीज़ कह रहा हूँ कि बीटा प्लेटेड जो शीट्स हैं उनके अंदर यहाँ पे सबसे पहली लाइन लिखी हुई है कि एक एक्सटेंडेड स्ट्रेच होता है 5 से ज़्यादा अमीनो एसिड्स का, उसको अपन बोलते हैं बीटा स्ट्रैंड। जो मैंने बताया था यहाँ पे आप देख रहे हो, ये बीटा स्ट्रैंड था एक। अब बीटा स्ट्रैंड्स जो होते हैं वो या तो पैरेलल या एंटी पैरेलल या अलाइंड होते हैं, उनको अपन बीटा शीट के अंदर काउंट करते हैं। फैटी एसिड बाइंडिंग प्रोटीन्स आर मेड ऑलमोस्ट एंटायरली ऑफ बीटा शीट्स। तो एक अमीनो एसिड जो आगे जाके प्रोटीन बनाएगा, प्रोटीन से आपको फंक्शनल प्रोटीन मिलेगा और वो जाके बाइंड करेंगे फैटी एसिड्स पे। तो एक फैटी एसिड पे जो बाइंड करेगा प्रोटीन वो मोस्टली बीटा शीट से बना हुआ होता है। ऐसा क्यों? यस गाइस, ऐसा क्यों? क्योंकि मोर स्टेबल देन हेलिक्स। क्योंकि ऐसा, क्योंकि शीट जो होती है, शीट वो प्लेनर स्ट्रक्चर होता है। यस, और प्लेनर स्ट्रक्चर जो है वो मोस्टली चिपक के रहता है, किसी भी चीज़ के चिपका हुआ रहता है। तो फैटी एसिड क्योंकि वो हाइड्रोफोबिक है, और बीटा शीट्स जो हैं उनमें भी मोस्टली हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड्स मिलते हैं, इसलिए वो दोनों एक साथ रहने की कोशिश करते हैं। जो मोस्टली फैटी एसिड बाइंडिंग प्रोटीन होते हैं वो बीटा शीट्स के लिए बीटा शीट से बने हुए होते हैं। ओके, अब मान लो एक शीट है, ये शीट है, और इसके नीचे मेरे को एक और शीट लगानी है सेम एज इट इज़। यस, तो आपने कहा आर ग्रुप्स जो हैं ऊपर निकलेंगे या नीचे जाएंगे। तो मैं अगर नीचे दूसरी शीट लगा दूं तो क्या उसके आर ग्रुप और इसके आर ग्रुप इंटरेक्ट नहीं करेंगे? क्या उनमें इंटरेक्शन होगा? पॉसिबल है या नहीं है? पॉसिबल है, तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए क्या कर सकते हैं अपन, कोई बता सकता है? यस, किसी में रिसर्च वाला दिमाग हो, क्या करूं मैं कि दोनों में कोलाइड होने की पॉसिबिलिटी को कम कर सकता हूं? एंटी पैरेलल? नहीं, एंटी पैरेलल पैरेलल तो स्ट्रैंड्स होते हैं। आपने एक स्ट्रैंड की एक शीट बना दी, उसके नीचे एक और शीट रख दी दूसरे स्ट्रैंड की, पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव को अट्रैक्ट कर लेंगे एक दूसरे को, शुभजीत वो चिपक जाएंगी शीट्स एकदम, चार्ज चेंज नो, अपन ऐसा अमीनो एसिड रखेंगे जो बहुत छोटा हो साइज में, तो वो उनके अंदर ऑलरेडी डिस्टेंस बन जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, आर ग्रुप्स ऑफ अमीनो एसिड रेसिड्यूज ऑन दी टचिंग सरफेस बिटवीन टू और मोर शीट मस्ट बी रिलेटिवली स्मॉल रिच इन ग्लाइसिन एंड एलेनिन। यस, देन यूज ऑफ ग्लाइसिन, तो ग्लाइसिन या एलेनिन को अपन यूज़ करेंगे जिससे कि उनके बीच में इंटरेक्शन जो है वो कम रहे। व्हेन देयर आर टू एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स बीटा स्ट्रैंड्स इट इज़ कॉल्ड सेकेंडरी स्ट्रक्चर मोटिफ बीटा हेयरपिन। तो बीटा हेयरपिन मतलब कि मान लो ये इधर डायरेक्शन में है, ये इधर डायरेक्शन में है, तो मैं इसको जब जोड़ूंगा तो एक ऐसा टर्न लूंगा मैं, तो ये टर्न क्या हो गया, एक बल्ज जैसा बन गया। तो ये कैसा लिख रहा है आपको? सेफ्टी पिन जैसा दिख रहा है, जिसके हेड होता है एक, तो इसीलिए अपन इसको बीटा हेयरपिन कहते हैं। ओके, तो दो एंटी पैरेलल बीटा स्ट्रैंड्स जब अलाइन होंगे तब उनके बीच में जो टर्न होगा वो एक
बीटा हेयर पिन होता है, और इसको अपन मोटिफ भी कहते हैं। आगे चल के देखेंगे मोटिफ में क्या होता है, इसको मोटिफ भी कहते हैं, ये जो टर्न लिया है इसने इसको मोटिफ भी कहते हैं। और आपको याद होगा जब मैंने वो चीज़ बताई थी MFD, मोटिफ फोल्ड एंड डोमेन, तो मोटिफ क्या है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर का पार्ट है और ये नॉन फंक्शनल है। वो इसीलिए है क्योंकि कहाँ पे मिलता है वो, यहाँ पे। द लूप बिटवीन द टू बीटा स्ट्रैंड्स इज अ बीटा टर्न। तो लूप कौन सी थी, ये डायग्राम में आपने देखा था, तो ये लूप है और ये है आपका एक सेफ्टी पिन जैसा स्ट्रक्चर। ओके, तो लूप जो है उनको अपन बीटा टर्न के अंदर काउंट करते हैं, और जो सीधा ऐसे टर्न बनाती है नॉर्मल टर्न एंटी पैरेलल में, उसको अपन हेयर पिन कहते हैं। मेरे कौन से क्वेश्चन का आंसर सरन, शीट्स वाला, ऊपर नीचे शीट्स वाला, दो शीट्स फाइल्ड अप है, ये थर्ड लास्ट पॉइंट, ये मेरा आंसर है। ग्लाइसिन एंड एलेनिन, ऐसे अमीनो एसिड रखेंगे अपन शीट्स के अंदर, ऐसे अमीनो एसिड रखेंगे जिनके आर ग्रुप्स बहुत छोटे हों, जिससे कि वो इंटरेक्शन नहीं कर पाए। ओके, ओके, रिपीट करूं शुभजीत अभी दोबारा, मैं ऐसे कह रहा हूँ दो शीट्स हैं तो इनके अंदर मैं ऐसे अमीनो एसिड को रखूँगा जिनका आर ग्रुप छोटा हो, जिससे कि वो नीचे निकलेंगे तब उन वो बहुत कम डिस्टेंस में ही ख़त्म हो जाएंगे। अच्छा लास्ट पॉइंट समझाऊँ, ओके, लास्ट पॉइंट में इस चीज़ को एक्सप्लेन करिए मैंने। वो ऐसे कह रहे हैं कि ये तो हेयर पिन बोलते हैं इसको, इस टर्न को हेयर पिन बोलते हैं और इस लूप को टर्न बोलते हैं। ध्यान से पढ़ो, द लूप बिटवीन टू बीटा स्ट्रैंड, जो कि कौन से हैं, पैरेलल हैं, इज ए बीटा टर्न, जबकि द लूप बिटवीन टू एंटी पैरेलल इज बीटा हेयर पिन। वॉट डिसाइड्स वेदर आर ग्रुप गोज अप और डाउन, वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है सरन ने। अब इसका जवाब आप में से कोई दे तो मेरे को मजा आ गया, मैं भी बताऊंगा आपको। ये सरन बहुत अच्छा क्वेश्चन है आप, यस एनीवन, किसी को लगता है कि ऐसा हो तो आवाज़ क्लियर है मेरी, आई होप आवाज़ क्लियर होगी। तो सरन सरन को है मेरी ये बात, सरन क्योंकि सेम साइड रहने से स्टेरिक हिंड्रेंस आएगा। ओके चलो मैं आपको पीछे लेके जाता हूँ सरन, शायद आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाए। बहुत पहले एक स्लाइड लेके जाऊँगा, इसका मतलब ये है कि आप का पीछे नहीं, अच्छा आगे जा रहा हूँ मैं, कहाँ को रामाचंद्रन प्लॉट पे लेके जाऊंगा, इस डायग्राम पे। क्या अब आपका डाउट क्लियर हुआ या अभी भी नहीं हुआ? यस सरन, अभी भी नहीं हुआ है तो इस पे आओ, इस डायग्राम से शायद क्लियर हो जाए। नहीं हुआ, ओ माय गॉड, सबसे पहली चीज पेप्टाइड बॉन्ड ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन के होते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन के होते हैं। ओके, दूसरी चीज, इस डायग्राम के अंदर आर ग्रुप्स आप देख सकते हो, एक अमीनो एसिड का ऊपर है अगले का नीचे है, एक का ऊपर है एक का नीचे है, सिर्फ ट्रांस की वजह से। ओके, तो आपकी जो बैकबोन जब बनती है, जब पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, तभी डिसाइड हो जाता है कि आर ग्रुप ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। कैसे डिसाइड होगा, आर ग्रुप अगर ट्रांस में रहेगा तो ज़्यादा स्टेबल रहेगा, उस स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए। अब वो स्टेबिलिटी मेंटेन रहती है जब तक वो सेकेंडरी नहीं बन जाता, जब तक वो टर्शियरी स्ट्रक्चर नहीं बन जाता, तब तक ये चीज़ कंटिन्यूएशन में रहती है। ओके सरन, इसीलिए वो जो आर ग्रुप्स ऊपर नीचे हैं वो एक छोड़ के एक हैं, मतलब एक ऊपर एक नीचे, फिर अगले में एक ऊपर एक नीचे, ऐसे वो रिपीट होती रहेगी। डन, ओके,
हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन एडजेसेंट पेप्टाइड चेन्स बीटा बीटा शीट्स के अंदर, कंपोज ऑफ बीटा स्ट्रैंड्स, दो स्ट्रैंड से बनता है, एवरेज 6 स्ट्रैंड, विड्थ ऑफ है 25 आर्मस्ट्रॉन्ग, तो 25 आर्मस्ट्रॉन्ग की विड्थ होती है और एवरेज जो है वो 6 स्ट्रैंड, मतलब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 एवरेज 6 होते हैं, यहाँ पे 4 दे रखे हैं। राइस पर रेसिड्यू 3.47 आर्मस्ट्रॉन्ग फॉर एंटी पैरेलल एंड 3.25 फॉर पैरेलल। आई होप आपको याद होगा जो राइस पर रेसिड्यू कैसे अपन ने निकाला था। ईच स्ट्रैंड ऑफ ए बीटा शीट मे बी पिक्चराइज्ड एज ए हेलिक्स विद 2 रेसिड्यूज पर टर्न, तो इसका मतलब आई टू आई प्लस टू अरेंजमेंट। तो आई प्लस टू का अरेंजमेंट जो है वो कौन सा हेलिक्स होता है या कौन सा टर्न बोलते हैं उसको, गामा। यस, तो गामा मोस्टली बीटा स्ट्रैंड के अंदर, पर बीटा इसको क्यों बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे जो दो रेसिड्यूज लिखे हुए हैं जब ये टर्न लेता है या जब एक बीटा शीट का जो एक स्ट्रैंड जो होता है वो ख़त्म होता है तब तक 3 अमीनो एसिड उसमें आ जाते हैं, इसलिए उसको अपन जो है बीटा शीट के अंदर डिफाइन करते हैं। ओके, अब आप ये जब डायग्राम देखोगे समझोगे तभी क्लियर होंगे। ये आर ग्रुप्स ऑन द अमीनो एसिड ऑल्टरनेट अप एंड डाउन अबव एंड बिलो द प्लेन ऑफ द शीट। 2 से 15 अमीनो एसिड रेसिड्यू लॉन्ग होता है एक बीटा शीट, 2 से 15 स्ट्रैंड्स होते हैं एक शीट के अंदर, पैरेलल इज लेस स्टेबल देन एंटी पैरेलल, ये आपको पता होगा क्या रीज़न था उसका। ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग 180 डिग्री पे मोर स्टेबल रहती है, इसीलिए उसको अपन ने एंटी पैरेलल जो है वो मोर स्टेबल है। अब बात करते हैं अपन बैंड या लूप की, जो अपन ने बीटा बैंड देखा था, हेयर पिन देखा था, जो लूप देखा है अपन ने उसके बारे में बात करते हैं। तो कोई भी एक टर्न लेने के लिए यहाँ पे लिख रखा है वैसे तो, बट आई होप कि आपको पता होगा कि अगर मेरे को एक टर्न लेना है मिनिमम से मिनिमम 4 अमीनो एसिड्स की मेरे को ज़रूरत पड़ेगी, पहला दूसरा तीसरा एंड चौथा। तो 4 अमीनो एसिड्स की मेरे को ज़रूरत है एक 180 डिग्री टर्न लेने के लिए, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स किसके बीच में होंगी गाइस, क्या लगता है आपको किस किस के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स होनी चाहिए, यहाँ पे होनी चाहिए या यहाँ पे होनी चाहिए। वन एंड फोर, दैट इज़ राइट, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी क्योंकि ये पेप्टाइड बॉन्ड बनता जाएगा, यहाँ पे CONH की बॉन्डिंग होगी, और 2 और 3 जो हैं ये आपके टर्न के अंदर हेल्प करेंगे, टर्न के अंदर हेल्प करेंगे। दैट मीन्स यहाँ पे कौन सा अमीनो एसिड जो होना चाहिए, होना चाहिए यहाँ पे विच अमीनो एसिड शुड बी प्रीफर्ड हेयर, तो द प्रीफर्ड अमीनो एसिड इज प्रोलीन एंड ग्लाइसिन। किंक भी तो चाहिए, टर्न के लिए किंक चाहिए अपन को, किंक किससे आएगी, प्रोलीन से। ओके, तो पॉलीपेप्टाइड चेन्स कैन फोल्ड अपॉन देमसेल्व्स फॉर्मिंग अ बैंड और लूप, यूजली 4 अमीनो एसिड्स आर रिक्वायर्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन 1 एंड 4, बैंड्स आर यूजली ऑन द सर्फेस ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन्स। तो सर्फेस ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन मतलब जैसे आप कोई भी प्रोटीन देखोगे, 3D प्रोटीन देखोगे, तो उसके अंदर मान लो ये अल्फा हेलिक्स है, फिर ऐसे बीटा शीट्स हैं, फिर अल्फा हेलिक्स हैं, फिर बीटा शीट्स हैं, तो जो आपका मेन जो लूप है, जो बैंडिंग होगी वो यहाँ सरफेस के ऊपर आपको ज़्यादा दिखेगी, ठीक है, बजाय कि बीच के अंदर। तो जब आपको डायग्राम देखोगे किसी भी 3D प्रोटीन का, तब आप उसको ध्यान से नोटिस करना, मेरे पास नहीं है डायग्राम, मैंने डाला नहीं है, ध्यान से नोटिस करोगे तो सारे जो लूप्स हैं वो ऊपर मिलेंगे आपको, सरफेस के ऊपर मिलेंगे। ग्लाइसिन इज स्मॉल एंड फ्लेक्सिबल एंड अकर फ्रीक्वेंटली, प्रोलीन रिजाइड्स फ्रीक्वेंटली फाउंड इन बैंड्स एंड लूप्स, बीटा टर्न ऑफन प्रमोट द फॉर्मेशन ऑफ एंटी पैरेलल बीटा शीट्स। एक इस डायरेक्शन में है, दूसरी इस डायरेक्शन में है, तो दोनों को ज्वाइन करने के लिए लूप की ज़रूरत है, टर्न की ज़रूरत है, तो एंटी पैरेलल में इसको प्रेफर किया जाता है। ये ग्लोबुलरिटी देता है प्रोटीन को रेदर देन लीनियरिटी। समझ में आ गई होगी ये लाइन आपको, ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं ग्लोब जैसे, गोल मटोल, सीधे एक लाइन के नहीं होते। तो ग्लोबुलरिटी क्यों ज़रूरी है, क्योंकि अपन को 3D स्ट्रक्चर बनाना है, उनको फंक्शनल प्रोटीन में कन्वर्ट करना है, इसलिए ग्लोबुलरिटी की ज़रूरत है, और वो कौन देगा, बीटा टर्न्स। यहाँ पे 2 टर्न दिए हुए हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2, सेम जो पहले मैंने बताया था। तो टाइप 1 एंड टाइप 2 के अंदर एक बहुत
कॉमन डिफरेंस है, क्या आप नोटिस कर सकते हो उसको? अगर कर लिया है तो मेरे को बता दो। ध्यान से देखना कौन से डायग्राम इन दोनों में, क्या चीज़ आप नोटिस करोगे, या फिर डिफरेंस, स्पॉट द डिफरेंस, डिफरेंस बताना है, अंतर बताना है। लोअर लेफ्ट, ऊपर लेफ्ट, नहीं, एरिया में नहीं, इस डायग्राम में देख के बताओ कि क्या डिफरेंस है दोनों डायग्राम में। वन और टू क्यों बोला है इसको? सी ओ ओ, सी ओ ओ कहाँ दिख रहा है आपको? सिर्फ सी ओ दिख रहा है मेरे को तो। अच्छा, सी ओ और एन एच में, हाँ दैट इज राइट। तो यहाँ पे ट्रांस में है ये, इधर भी किस में है ये? ट्रांस में ही है, बट चेंज कहाँ आया है? उनके अलाइनमेंट में। पहले सी ओ नीचे था, अब वो ऊपर चला गया है, और एन एच नीचे था, अब ऊपर चला गया इधर। तो यही बेस है आपका डिफाइन करने का कि वो टाइप वन है या टाइप टू है। तो टाइप वन जो होता है उसके अंदर सी ओ अंदर रहता है, नीचे रहता है, और एन एच बाहर निकला हुआ होता है। तो पार्शियल पॉजिटिव इधर, पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव नीचे, ठीक है, ये याद रखना है। चार्ट्स के बेसिस पे याद कर लो, आपको समझ में आ जाएगा। इधर क्या होगा? पार्शियल नेगेटिव बाहर रहेगा, पार्शियल पॉजिटिव अंदर रहेगा। ओके, इसकी बात नहीं कर रहा था मैं डायग्राम की। इसमें क्या है, कार्बन वन ये है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, और ये फोर्थ है। तो एक और चार में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये, और यहाँ थर्ड और सेकंड के अंदर यहाँ पे अमीनो एसिड्स की जो प्रेफरेंस है वो आपको याद रखनी है। क्या कि जो टाइप वन है उसके अंदर सेकंड जो है वो ग्लाइसिन होना चाहिए, जबकि टाइप टू में है जो फर्स्ट वाला जो है वो ग्लाइसिन होना चाहिए। उल्टा सिस्टम है, वन के अंदर तो सेकंड ग्लाइसिन होना चाहिए और टू में फर्स्ट ग्लाइसिन होना चाहिए। इसको ऐसे याद कर लो, यहाँ पे भी यही चीज़ लिखी हुई है। रेसिड्यू वन इज़ ऑलवेज ग्लाइसिन, हमेशा ग्लाइसिन है, कंपलसरी ग्लाइसिन है। टाइप वन के अंदर सेकंड हमेशा ग्लाइसिन होगा। ओके, यस गाइस, क्लियर है ये कंसेप्ट टाइप वन टाइप टू का? तब आप देख सकते हो रामाचंद्रन प्लॉट, जब आप देखोगे तो बीटा टर्न टाइप वन टाइप टू। ओके, अब टाइप वन और टाइप टू के अंदर भी इन्होंने आई प्लस वन आई प्लस टू दे रखा है। दैट मीन्स आई प्लस वन मतलब डेल्टा, आई प्लस टू मतलब गामा, ठीक है। तो इसके अंदर भी गामा एंड डेल्टा हेलिक्सेस हैं, तो इन सब का अरेंजमेंट अलग अलग होता है। इसका माइनस माइनस है, इसका माइनस ज़ीरो है, और इसका माइनस प्लस है, और इसका प्लस ज़ीरो है। तो चारों का अलग अलग है, ठीक है। तो आपको याद नहीं करना है, बट आपको पता होना चाहिए कि चारों का अलग अलग है। तो अपन ने ये सारे सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स देख लिए हैं, बीटा प्लेटेड शीट हो गई है अपनी कंप्लीट, लूप्स अपन ने देख लिया अच्छे से। एक ओमेगा लूप बच रहा है, ओमेगा लूप भी आपको बता देता हूँ कि ओमेगा स्ट्रक्चर देखा होगा, ओमेगा का ऐसा होता है, यस। तो यहाँ पे क्या चीज़ नोटिस कर रहे हो आप इस डायग्राम में? यस गाइस, स्टिल देयर या सो गए सब? व्हाई नॉट एनीवन इज रिप्लाइंग? लॉन्ग लूप है, ओके। पहली बात तो ये बहुत बड़ी है, तो इसके अंदर छः से ज़्यादा अमीनो एसिड्स होंगे। एक चीज़ तो नोटिस कर ली आपने, और दूसरी चीज़ यहाँ पे ये चीज़ नोटिस कर रहे हो आपकी, ये बहुत पास में होती है, ये चीज़ बहुत पास में होती है। पास में होने की वजह से क्या होता है, यहाँ पे टाइट बॉन्डिंग होती है, जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं वो पास पास होते हैं, उनके बीच में डिस्टेंस कम होती है। तो ये क्या होते हैं, लॉन्गर एक्सटेंडेड एंड इररेगुलर लूप विदाउट फिक्स्ड इंटरनल हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो है पर वो फिक्स नहीं है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक और चार के बीच में ही होगी, कहीं भी हो सकती है, इसलिए उसको इररेगुलर कहते हैं। सिग्निफिकेंस पोर्शन ऑफ द ग्लोबुलर प्रोटीन स्ट्रक्चर मे बी इररेगुलर और यूनिक, जो कि यहाँ पे दे रखा है। दे इंक्लूड कॉइल एंड लूप्स, सेगमेंट ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन हुज सक्सेसिव रेसिड्यूज डू नॉट हैव सिमिलर साईफाई वैल्यूज आर कॉल्ड कॉइल्स। तो इनको कॉइल बोलते हैं, जिनके साईफाई जो हैं वो सेम नहीं होते हैं,
साईफाई किसके अराउंड होते हैं? सी अल्फा के अराउंड। इसमें एक सी अल्फा नहीं है, इसमें काफ़ी सारे सी अल्फा हैं। तो अगर यहाँ पे सी अल्फा है, यहाँ पे सी अल्फा है, तो इन इसका साईफाई अलग होगा, इसका साईफाई अलग होगा। इनका अगर अलग, सभी अमीनो एसिड्स का अलग अलग है, तो अपन उनको क्या बोलेंगे? कॉइल। ऑलमोस्ट ऑल प्रोटीन विद मोर देन 60 रेसिड्यूज कंटेन वन और मोर लूप्स ऑफ 6 to 16 रेसिड्यूज नोन एज ओमेगा लूप्स। वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा अब मेरे को बात बताओ, क्वेश्चन है, एक छोटा सा क्वेश्चन है। यहाँ पे अपन ने देखा हाइड्रोजन बॉन्डिंग देख ली अपन ने, और अपन ने ये कह दिया कि रेसिड्यू टू जो है वो ऑलमोस्ट ग्लाइसिन होना चाहिए। ठीक है, मान लिया। तो अब मेरे को ये बताओ कि ये जो रामाचंद्रन प्लॉट के अंदर बीटा टर्न्स हैं, बीटा टर्न टाइप टू और टाइप वन है, इसके अंदर जो माइनस माइनस या फिर साईफाई जो एंगल दे रखे हैं वो कौन से अमीनो एसिड के हैं? होल पेप्टाइड। सरन, रामाचंद्रन प्लॉट पढ़ लिया आपने? ऐसे जवाब देखिए, डोंट इंसल्ट मी। ओके, साईफाई एंगल्स कहाँ होते हैं, कैसे होते हैं, ये आपको पता है, आपने पढ़ लिया है। तो साईफाई एंगल्स जो होते हैं सिर्फ एक अल्फा हेलिक्स के अराउंड होते हैं, एक अल्फा कार्बन के अराउंड ही होते हैं। कंप्लीट लूप का कभी भी साईफाई नहीं निकलेगा। डोंट डू सच टाइप ऑफ मिस्टेक्स। यस शुभजीत, दैट इज राइट, एब्सोल्युटली राइट। प्रोलीन एंड ग्लाइसिन, दैट मीन्स कार्बन चार एटम्स थे उसके अंदर, उसमें सेकेंड एंड थर्ड जो होंगे उनके साईफाई एंगल हैं ये, और उनमें भी मोस्टली ग्लाइसिन का होता है ये। यस मनोशी, मैंने देख लिया था। तो ग्लाइसिन और प्रोलीन दोनों का होता है। अगर ग्लाइसिन का अकेले का होता तो आपको रामाचंद्रन प्लॉट पूरा कवर मिलता मनोशी। ग्लाइसिन का याद नहीं है आपको? पूरा कवर होता है ग्लाइसिन में। तो ग्लाइसिन और प्रोलीन का मिक्स मिलता है, इसलिए आपको सिर्फ कहीं कहीं इसके नामोनिशान मिलेंगे। ओके, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकते हैं, तो ध्यान रहे कि वो क्वेश्चन कहाँ से आया। ओके गाइज, ये आपको अभी लग रहा है कि सर ने पूछ लिया तो मजाक सा है, सबको पता है, बट एग्ज़ाम में जाओगे तब ये याद भी नहीं आएगा आपको। ठीक है, ओमेगा लूप हो गया। अब आते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स के ऊपर, सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स। सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर जैसे मैंने बताया मोटिफ फोल्ड एंड डोमेन होते हैं। तो जब एक बीटा शीट बनती है तो उसके अंदर एक लूप होती है, तो बीटा स्ट्रैंड्स अलॉन्ग विद द लूप दे विल फॉर्म अ सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर। तो आप देख रहे हो एक सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर का एग्जांपल है बीटा अल्फा बीटा, दैट मींस बीटा स्ट्रैंड अल्फा हेलिक्स बीटा स्ट्रैंड। आपका जो लूप है उसने भी एक अल्फा हेलिक्स बना लिया है, लूप भी अल्फा हेलिक्स बना लिया है, तो एक सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर टाइप हो गया। बीटा हेयर पिन में ओनली बीटा, और एंटी पैरेलल अरेंजमेंट के अंदर अल्फा अल्फा मतलब सिर्फ अल्फा की ही चेन है, तो ये एक तरह का सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। तो ये अल्फा अल्फा जो है ये अल्फा हेलिक्स से डिराइव्ड है, बीटा बीटा जो है ये बीटा शीट से डिराइव्ड है, और बीटा अल्फा बीटा जो है ये दोनों का मिक्सचर है अल्फा और बीटा का। तो ये तीनों जो हैं सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स होते हैं। सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर इज़ अ कॉम्पैक्ट 3D प्रोटीन स्ट्रक्चर ऑफ सेवरल एडजेसेंट एलिमेंट्स ऑफ ए सेकेंडरी स्ट्रक्चर दैट इज स्मॉलर देन ए प्रोटीन डोमेन और ए सब यूनिट। तो स्मॉलर देन ए प्रोटीन डोमेन, इसका मतलब ये फंक्शनल हुए या नॉन फंक्शनल हुए? सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स फंक्शनल हुए या नॉन फंक्शनल हुए? नॉन फंक्शनल, दैट इज राइट। ओके, आगे चलते हैं टर्शियरी स्ट्रक्चर पे। तो टर्शियरी स्ट्रक्चर आप सबको पता होगा 3D फोल्ड हो जाता है जब एक सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स में अल्फा हेलिक्स हो गया, देन अगेन एक बीटा शीट हो गई, उसके लूप हो गई, एक अगेन सेकेंडरी स्ट्रक्चर हो गया, अगेन अल्फा हेलिक्स हो गया। तो ये सब क्या करेंगे, अब 3D में फोल्ड हो जाएंगे। 3D में फोल्ड होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है, कोई भी फोल्डिंग के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है उसकी एनर्जी का। तो एनर्जी हमेशा कम होनी चाहिए। यस, कम एनर्जी को प्रेफर करेगा। तो एनर्जी रिलीज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? बॉन्डिंग करनी पड़ेगी। तो बॉन्डिंग करने के लिए, अब बॉन्डिंग किसके बीच में होगी? आपकी जो पॉलीपेप्टाइड की बैकबोन है जिसने सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाया है, उन्होंने सबने हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर ली। तो अब बॉन्डिंग के लिए कौन बचा? आर ग्रुप। तो 3D टर्शियरी स्ट्रक्चर के अंदर आर ग्रुप पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्डिंग में। और बॉन्डिंग कहाँ होती है?
एक सेकेंडरी स्ट्रक्चर से दूसरे सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बीच में। ओके तो बॉन्ड नॉन पोलर जो है वो मोस्टली बाहर अंदर की साइड चले जाते हैं और पोलर जो है बाहर की साइड हो जाते हैं, जिससे कि पानी से इंट्रैक्शन कम से कम हो। एंड जो बॉन्ड स्टेबलाइज करते हैं टर्शियरी स्ट्रक्चर को होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, वैन डर वाल इंट्रैक्शंस, हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस, आयोनिक इंट्रैक्शन, डाइसल्फाइड लिंकेजेस एंड सॉल्ट ब्रिज। ये सारे नाम याद रखना, जब अपन डीनेचुरेशन करेंगे कल उसमें आपको ये अगेन काम आएंगे। तो टर्शियरी स्ट्रक्चर के अंदर सारे बॉन्ड्स होते हैं। यहाँ पे जो बॉन्ड लिखे हुए हैं क्या इनमें से कोई कोवेलेंट बॉन्ड भी है या सारे नॉन कोवेलेंट बॉन्ड हैं, वीक इंट्रैक्शंस हैं? ओके अंजू का क्वेश्चन है कि सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर में हेलिक्स टर्न हेलिक्स आता है जो रेगुलेट करते हैं जीन एक्सप्रेशन को, तब ये नॉन फंक्शनल कैसे हुए? नॉन फंक्शनल अंजू रेगुलेट करते हैं, दैट इज़ राइट, बट इनसे कोई प्रोटीन नहीं बनता है। आई मीन प्रोटीन क्या, सॉरी, मतलब ये रेगुलेट करते हैं। और रेगुलेट और फंक्शन में एक डिफरेंस होता है, किसी चीज़ को आप रेगुलेट कर रहे हो और कोई चीज़ फंक्शन कर रही है, तो उन दोनों में दिन रात का अंतर है। आप रेगुलेट कैसे, जैसे मान लो आपने गेट बंद कर दिया तो हवा आना बंद हो गई, तो आप हवा को रेगुलेट कर सकते हो, ठीक है, बट क्या आप हवा को बना भी सकते हो उस गेट से? नहीं, ऐसा नहीं। तो रेगुलेशन एक अलग चीज़ है और फंक्शन उसका अलग है। तो फंक्शन, किसी चीज़ को रेगुलेट करना मतलब वो फंक्शन नहीं होता है, वो सिर्फ एक उसका पार्ट हो गया कि अगर आपने उसकी शेप चेंज कर दी तो कुछ और हो रहा है, और आपने उसकी शेप चेंज कर दी तो कुछ और हो रहा है, रिजल्ट आपको अलग अलग मिल रहा है शेप चेंज करने से। तो शेप चेंज हुई है एनवायरनमेंट की वजह से, वो खुद प्रोटीन ने शेप चेंज नहीं करी है फंक्शनल बनने के लिए। ओके तो शेप चेंज होके वो 3D अरेंजमेंट में आएगा तभी वो एक फंक्शनल प्रोटीन बनेगा। यस, वो इनडायरेक्टली वर्क करता है, वो मतलब वर्क नहीं करता है, हाँ इनडायरेक्टली वर्क करता है, हाँ उसका कंप्लीट खुद का रेगुलेशन नहीं होता है। ओके यस यस सर, दैट इज़ राइट। तो आपने लूसीन जिपर होता है, हिस्टिडीन वाला होता है, ये देखे होंगे आपने सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स। तो ये सब जो है ये मेन रोल इनका रेगुलेशन के अंदर ही है, और रेगुलेशन को अपन फंक्शन में नहीं इंक्लूड करते हैं। ओके तो मैंने पूछा था इसमें कोवेलेंट बॉन्ड कौन सा, और आप सब कह रहे हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड। यस यस सर, एंड जिंक फिंगर ऑल्सो। ये सब क्या है, जिंक फिंगर वगैरह ये सब सेकेंड यूनिट नहीं थर्ड यूनिट का पार्ट है, तो मैं सोच रहा हूँ उसी में करवाऊँ, यहाँ पे भी करवा सकता हूँ बट उसमें आपको ज़्यादा समझ आएगा, इसलिए मैंने अभी छोड़ दिया है। तब ये कंसेप्ट याद रखना, दोबारा अपन डिस्कस करेंगे। यस, डाइसल्फाइड लिंकेज इज अ कोवेलेंट बॉन्ड, वेरी इंपॉर्टेंट। और साल्ट ब्रिजेस क्या होते हैं, आयोनिक प्लस हाइड्रोजन बॉन्ड। यस, ये चीज़ ध्यान रखना कौन कौन से टर्शियरी में बॉन्ड्स होते हैं। अब आते हैं अपन मोटे फोल्ड और डोमेन के ऊपर, रिकॉग्निजेबल सब कॉम्पोनेंट ऑफ फोल्ड, सेवरल मोटिव यूजली कंप्राइज ए डोमेन, तो दैट मीन्स MFD। मैंने पहले भी बताया था मोटिव जो होते हैं सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स मोटिव के अंदर आते हैं, ये नॉन फंक्शनल होते हैं। फोल्ड यूज डिफरेंटली इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, मोस्ट ब्रॉडली ए रिप्रोड्यूसिबल एंड रिकॉग्निजेबल 3D अरेंजमेंट। तो फोल्ड को आप रिकोगनाइज कर सकते हो, ये पार्शियली फंक्शनल होता है, पार्शियली नॉन फंक्शनल होता है, बट इसको जनरली नॉन फंक्शनल में कंसिडर करते हैं क्योंकि कम्प्लीटली फंक्शनल नहीं होता है। डोमेन जो होता है ये कॉम्पैक्ट सेल्फ होल्डिंग कॉम्पोनेंट होता है, डिस्क्रीट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। दैट मीन्स कि आप मान लो ये अल्फा हेलिक्स है, फिर कुछ बीटा टर्न्स है, फिर एक अगेन अल्फा हेलिक्स है, फिर अगेन एक बीटा टर्न है, अगेन अल्फा हेलिक्स है। अगर अब ये क्या करेंगे, अल्फा हेलिक्स बीटा, ये एक डोमेन बना लिया मान लो इन्होंने, जस्ट एन एग्जांपल दे रहा हूँ, बनेगा नहीं, डोमेन बहुत बड़ा होता है। इस डोमेन को अगर मैं इस पॉलीपेप्टाइड चेन में यहाँ पे क्लीव कर दूँ, पेप्टाइड हाइड्रोलिसिस कर दूँ, तो ये एक फंक्शनल यूनिट की तरह बिहेव करेगा, भले ही ये सिस्टम के साथ हो या अलग हो, क्योंकि चेन है, पॉलीपेप्टाइड चेन पूरी बहुत लंबी होती है, उसमें कहीं फोल्ड होके एक टर्शियरी स्ट्रक्चर बनता है, कहीं फोल्ड होके एक टर्शियरी स्ट्रक्चर बनता है। अगर यहाँ से कट भी लगा दूँ तो ये पूरा फंक्शनल रहेगा, ये प्रॉपर्टी है डोमेन की, उसको फंक्शनल बोलते हैं। अगर मोटिफ की बात करूँ तो बीटा अल्फा बीटा ये किसी चीज़ को रेगुलेट कर सकते हैं बट ये फंक्शनल नहीं है। आप जब इनको तोड़ दोगे अंजू, जब आप इनको कट कर दोगे, प्रोटियोलाइसिस कर दोगे, तब ये कोई काम के नहीं रहेंगे, ये भी एक डिफरेंस है।
ओके, वॉइस इंक्रीज करूँ? सभी को वॉइस कम लग रही है गाइस, अब तो तेज बोल रहा हूँ मैं। ओके, तो मोटिव फोल्ड डोमेन आप सबको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे एक चीज़ दे, यहाँ पे वही चीज़ें दे रखी हैं जो मैंने बताई है कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स अगर होंगे तो एल्फा एंड बीटा बनेगा, सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स होंगे तो एल्फा एल्फा, बीटा एल्फा, बीटा बीटा बीटा। अब ये आगे जाके एक डोमेन बनाते हैं, फोल्ड या फिर डोमेन बनाते हैं। तो ये जो डोमेन है ये लार्ज एसोसिएशन होता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स का, एंड दे क्लोज टुगेदर एंड फॉर्म अ सीक्वेंस जो कि हाईली फंक्शनल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एल्फा 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 जो है इसको फोर हेलिक्स बंडल बोलते हैं, क्वेश्चन आया हुआ है इसका, और ये फोर हेलिक्स बंडल जो है इसका एग्जाम्पल है लाइसोजाइम डोमेन 2। इसके अंदर आठ हेलिक्स होते हैं और आठों के आठे एल्फा हेलिक्स के होते हैं। तो फोर हेलिक्स के दो बंडल होते हैं जो कि मिलके एट हेलिक्स बनाते हैं और एक लाइसोजाइम का डोमेन बनाते हैं। तो एग्जाम्पल अलॉन्ग विद उसका सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या है और उसका डोमेन क्या है, ये तीनों चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, क्वेश्चन आता है इसका। सेम चीज़ बीटा अल्फा बीटा के अंदर रॉसमन फोल्ड बोलते हैं इसको, बीटा अल्फा बीटा अल्फा बीटा, ठीक है। पांच इसके अंदर सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स होते हैं, बीटा अल्फा बीटा अल्फा एंड बीटा, इसको रॉसमन फोल्ड बोलते हैं। इसका एग्जांपल है लैक्टेट डीहाइड्रोजनेज, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल। और लास्ट है बीटा ग्रीक की, जिसको अपन ग्रीक की बोलते हैं, उसके अंदर एग्जाम्पल है इम्यूनोग्लोबिन डोमेन्स। तो इम्यूनोग्लोबिन आपने देखा होगा, यहाँ पे कौन से बॉन्ड होते हैं मोस्टली, कौन से बॉन्ड होते हैं यहाँ पे? डाइसल्फाइड बॉन्ड्स होते हैं, दैट इज राइट। तो डाइसल्फाइड जो बॉन्ड होते हैं वो यहाँ पे स्टेबलाइज करते हैं इम्यूनोग्लोबिन्स के अंदर, और डाइसल्फाइड बॉन्ड जो है मोस्टली बीटा जो ग्रीक की है उसमें मिलता है, इसीलिए उनको अपन ने इस कैटेगरी में डिफाइन किया है। ओके, अब लास्ट टॉपिक आज का क्वार्टनरी स्ट्रक्चर। आप सबको पता ही है कि जब बहुत सारे टर्शियरी स्ट्रक्चर्स जो होते हैं कंबाइन हो जाते हैं, मतलब कि एक टर्शियरी स्ट्रक्चर आया कहीं और से, दूसरा कहीं और से आया है, तीसरा कहीं और से आया है, चौथा कहीं और से आया है, ये चारों मिलके एक क्वार्टनरी स्ट्रक्चर बनाते हैं। चारों आते डिफरेंट डिफरेंट ऑरिजिन से हैं बट मिलके एक फंक्शन करते हैं, पैक्ड स्ट्रक्चर रहता है, यस। तो अपन उनको क्वार्टनरी स्ट्रक्चर के अंदर आइडेंटिफाई करते हैं। एसोसिएशन ऑफ मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड, नंबर एंड अरेंजमेंट ऑफ मल्टीपल फोल्डेड प्रोटीन सब यूनिट इन अ मल्टी सब यूनिट कॉम्प्लेक्स, ईच यूनिट ऑफ दिस प्रोटीन इज कॉल्ड ए सब यूनिट। तो एक सब यूनिट, दो सब यूनिट, तीन सब यूनिट एंड चार सब यूनिट, ए प्रोटीन एंड इज कॉल्ड एन ऑलिगोमेरिक प्रोटीन। सब यूनिट्स कैन बी सेम और डिफरेंट, ओके, ऑरिजिन उनका सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। सेम ऑरिजिन है, एक दिखने में भी एक जैसे हैं, उनका बैकबोन सेम है तो उनको होमोपॉलीमेरिक बोलते हैं, और अगर सेम नहीं है तो हेट्रोपॉलीमेरिक बोलते हैं। एग्जाम्पल हेमोग्लोबिन अपन आगे डिस्कस करेंगे बायोकेमिस्ट्री में, डीएनए पॉलीमरेज अपन थर्ड यूनिट में करेंगे, आरएनए पॉल वन का भी डिटेल स्ट्रक्चर अपन थर्ड यूनिट में देखेंगे, आयन चैनल्स का अपन सेकेंड यूनिट के अंदर देखेंगे। तो वहाँ तब तक आपको याद रखना है कि ये सारे क्वार्टनरी स्ट्रक्चर्स होते हैं। कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो कि इंपॉर्टेंट है, ऑन एन एवरेज अबाउट 50% ऑफ द अमीनो एसिड्स आर इन सेकेंडरी स्ट्रक्चर, 50% ऑफ द अमीनो एसिड आर इन सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स, मतलब कि वो टर्चरी में फोल्ड नहीं होते हैं, सिर्फ 50% ही होते हैं जो टर्चरी क्वार्टनरी बनाते हैं, बाकी जो आधे हैं वो सब सेकेंडरी में ही रहते हैं। ऑन एवरेज देर आर अबाउट 27% अल्फा हेलिक्स, 23% बीटा स्ट्रक्चर्स, एंड ऑफकोर्स सम प्रोटीन आर ऑलमोस्ट ऑल एल्फा हेलिकल एंड आर ऑलमोस्ट ऑल बीटा स्ट्रक्चर्स। तो ऑल एल्फा ऑल बीटा का मतलब क्या हो गया, वो सेपरेटली प्रेजेंट हैं और अलग अलग प्रेजेंट है, एल्फा अलग है बीटा अलग है। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कभी एग्जाम में पूछ ले इसलिए ज़रूरी है, बाकी इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है इनका, तो जो नहीं पूछा है वो आता है इसलिए ये ज़रूरी है। द साइड चेन लोकेशन वेरीज विद पोलैरिटी, नॉन पोलर साइड चेन सच एज वेलिन ल्यूसीन ये सब अपन ने पढ़ रखा है, प्रीडोमिनेंटली इन द इंटीरियर ऑफ द प्रोटीन, क्योंकि वो हाइड्रोफोबिक होते हैं, चार्ज जो होते हैं वो इक्वली पार्टीशन होते हैं बिटवीन बीइंग बरीड और एक्सपोज ऑन द सरफेस, 54% ये वाले बरीड अवे फ्रॉम द वाटर। तो ये सब चीज़ें आपने पढ़ रखी हैं, जस्ट एक बार ऐसी पॉइंट बनाए हैं क्योंकि ये कहीं से लिया हुआ है किसी रिसर्च पेपर से, तो इसके क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए आप इसको देख लेना। ओके, ज़्यादा इसको इसके अंदर जाना मत आप। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक है प्रोटीन डीनेचुरेशन, वो अपन कल स्टार्ट करेंगे। ओके गाइस, सो थैंक यू वेरी मच गाइस, सी यू ऑल टुमारो सेम टाइम, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, हैव अ सेफ डे।